अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम शेयर करेंगे अपनी रेसिपी अनरसे की गोली बनाने की, कैसे आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं, बहुत मार्केट जैसी, बहुत इजी, बहुत टेस्टी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं कि आपको मार्केट जैसी अनरसे की गोली घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। अनरसे की गोली बनाने के लिए हमें चावल का आटा चाहिए होगा। हमने 2 कटोरी चावल का आटा लिया है और हमने जो शक्कर पाउडर लिया है इसको हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, ये 1/2 कटोरी ली है हमने। और हमने जो है 50 ग्राम इसको घी या ऑयल आप जो भी लेना पसंद करें वो ले, खस्तगी के लिए। आटा हमने पहले से छान लिया हुआ था, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। और हम इसमें जो है शुगर पाउडर भी ऐड कर देंगे। इसमें जो ऑयल घी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो भी इसी में साथ में मिक्स कर देंगे। अब हम इसको जो है ऐसे जो है मोइन कर लेंगे, इसकी खस्तगी मिला लेंगे आपस में। अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमने छोटी इलायची के जो है पाउडर बना के रखा हुआ है इसको भी इसी में मिला देंगे, इससे अच्छी खुशबू आती है। मार्केट में ये नहीं मिलाते हैं लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो हम इसको जो है जितना अच्छा बना पाएंगे बनाएंगे। हाफ टी स्पून हम मीठा सोडा मिला देंगे और हम इसको अच्छा सा एक डो तैयार कर देंगे। देखिए आटा के डो हमारा अच्छा तैयार हो गया है, इस तरह से होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और हम इसको रख देंगे 2-3 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए, इसको ढक के रख देते हैं किनारे। चलिए 3 घंटे हो गए हैं, इसको हम देखते हैं थोड़ा ये सॉफ्ट हो गया है, इसको हम फिर से निकाल के इस तरह से गूंथ लेते हैं। इस तरह से हमने छोटी लोई बना ली है और हम इस तरह से इसको जो है ये तिल है सफ़ेद इसमें इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए लड्डू की शेप की हमने छोटी छोटी लोइयां बना के इस तरह तिल लपेट लिया है, आप जिस इसका चाहें बना सकते हैं। तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। अब धीमी गैस पर इसको फ्राई कर रहे थे, देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है और ये हमारी देखिए बड़ी बड़ी भी हो गई हैं, जितनी छोटी छोटी हमने बनाई थी और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए फ्राई करके हमने निकाल ली, इसका कितना प्यारा कलर आया है, आप भी इसी तरह बनाइएगा, बहुत जायकेदार है। इसको भी आपको तोड़ के भी दिखाते हैं, ये कितनी सॉफ्ट है, अंदर तक हो गई है, बहुत अच्छी है, सॉफ्ट है, ऊपर से क्रंची है। हमने आपको तोड़ के भी दिखाया कितनी सॉफ्ट और क्रंची बनी है। इस तरह से आप भी बनाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी अनरसे की गोली कैसी बनी। अनरसे की गोली बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली न्यू रेसिपी आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी में, जब तक अल्लाह हाफिज़।